एहसान इकबाल ने इलेक्शन में 90 दिन की ताखिर के इशारे दे दिए। नई मर्दमशुमारी मंजूर होने पर नई हल्का बंदियां करना होंगी, इस अमल में वक्त लगेगा। वफाकी वजीर की गुफ्तगू पुराने हैं। सैलाब में तुर्किया ने पाकिस्तान की फकीदुल मिसाल मदद की, वजीर आजम का खिताब। तुर्किया और पाकिस्तान को सरहद पार दहशतगर्दी का सामना है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इकदाम की भरपूर हिमायत करते हैं। तुर्किया के नायब सदर का तकरीब से खिताब। आम इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत ही होंगे, वजीर आजम का दो टोक मौकिफ। सियासी पंडितों की इंतखाबात में कम अज कम 4 माह की ताखिर होने की पेश गोई। मुश्तरका मफादात कौंसिल अरकान की तादाद पूरी नहीं, निगरान वज़ीरे आला CCI इजलास में शिरकत नहीं कर सकते, बुलाया तो आइन शिकनी होगी, सेनेटर ताज हैदर का मौकिफ। नून लीग के रहनुमा तल्लाल चौधरी की 5 साल नाअहली की मुद्दत आज खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त 2018 को जजिस पर तनकीद करने पर तौहीन अदालत के इल्जाम में तल्लाल चौधरी को 5 साल के लिए नाअहल किया था। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, कबीरवाला ननकाना साहिब और बहावल नगर में मुतादिद मकानात डूब गए, फसलें तबाह हो गयी। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजम की हालत में बेहतरी आने लगी, खाना मांगना शुरू कर दिया, जहनी कैफियत भी ठीक हो गई, इन्फेक्शन की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना। कराची के इलाके डिफेंस Phase 7 में मासियों ने बंगले का सफाया कर दिया, 70 तोले सोना और 30 लाख रुपए लेकर फरार, मालकान ने 2 दिन पहले ही काम पर रखा था। PTI दौर में सस्ती LNG के गलत इस्तेमाल से खजाने को 21.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा, 277 यूनिट्स ने बरामदात के बगैर ही 16 अरब की सब्सिडी ले ली, ऑडिट रिपोर्ट। इंटर बैंक मार्केट में $1.70 महंगा होने के बाद 289.85 रुपए का हो गया।